नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनिक वॉइस न्यूज और मैं हूं सुरेंद्र शर्मा। आप जानते हैं जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं और जैसा कि केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट हाउस में गृह मंत्री ने कहा था कि जम्मू कश्मीर में पहले डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे और उसके बाद जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा यानी वापिस दे दिया जाएगा। स्टेटहुड जो है वो जम्मू कश्मीर का वो वापिस दे दिया जाएगा। दो मुकाम कंप्लीट हो गए हैं, मुकम्मल हो गए हैं। डिलिमिटेशन जम्मू कश्मीर का हो गया, विधानसभा चुनाव भी जम्मू कश्मीर के हो गए और कल 8 अक्टूबर को नतीजे भी घोषित होंगे, यानी जम्मू कश्मीर में अगली सरकार विधानसभा असेंबली जो है वो भी कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगी। दो पड़ाव जैसा हमने कहा पार हो गए और तीसरा पड़ाव है जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड। जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड कितनी जल्दी मिलता है उसको लेकर लोगों में और राजनीतिक दलों में संशय बना हुआ है, शक है लोगों को कि शायद स्टेटहुड मिलने में अभी कुछ वक्त लग जाए या सरकार जो केंद्र सरकार है वो जम्मू कश्मीर को शायद अभी स्टेटहुड देना चाहती है या नहीं देना चाहती है। इस मंशा पर भी लोगों के सवाल हैं और लोगों को इसके ऊपर शक शुबा है। इसी कड़ी में अब स्टेटहुड को वापस लाने के लिए, जम्मू कश्मीर को वापस राज्य का दर्जा दिलाने की मुहिम तेज हो गई है। इस दिशा में एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस दिया जाए और याचिका में यह भी मांग की गई है, यह भी कहा गया है कि 2 महीने के अंदर अंदर जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिया जाए। जो स्टेटहुड छीनी गई 5 अगस्त 2019 को जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 से समाप्त हुई, जम्मू कश्मीर को यूटी बना दिया गया, लद्दाख अलग से बना दिया गया और जम्मू कश्मीर के जो 2 टुकड़े हैं वो कर दिए गए और अब 2 पड़ाव जैसा कि डिलिमिटेशन भी हो गया है, जैसा कि सरकार ने भी वादा किया था, गृह मंत्री ने पार्लियामेंट हाउस में वादा किया था कि जम्मू कश्मीर को इन 2 चीजों के बाद, डिलिमिटेशन और इलेक्शन के बाद, स्टेटहुड वापस मिलेगी। और इसी को लेकर याचिका जिसने दायर की गई, एक कॉलेज टीचर बताए जा रहे हैं जहूर अहमद भट्ट और एक एक्टिविस्ट हैं खुर्शीद अहमद मलिक, ये 2 लोगों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में इस बात को लेकर, इस मांग को लेकर याचिका दायर की गई है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसमें दखल दे और सुप्रीम कोर्ट जो है वो डायरेक्ट करे गवर्नमेंट को कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड जो है वो दी जाए। और ये जो याचिका है ये एक जाने माने वकील है एडवोकेट शोएब कुरैशी, उनके जरिए सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका जो है वो लगाई गई है। और चूंकि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लोगों को भरोसा है, विश्वास है और बहुत हद तक लोगों का ये भी कहना है कि शायद जम्मू कश्मीर में अभी विधानसभा चुनाव नहीं होते, अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जम्मू कश्मीर के चुनाव के लिए केंद्र सरकार को डायरेक्शन ना दी गई होती, यानी अक्टूबर 2024 में ये सरकार को डायरेक्ट किया गया था सुप्रीम कोर्ट की ओर से कि अक्टूबर 2024 से पहले जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराए जाए, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन थी और बहुत सारे ऐसे इश्यूज थे जिसको लेकर सरकार के लिए थोड़ा दाएं बाएं खिसकना मुश्किल हो गया और आखिरकार जम्मू कश्मीर में सरकार को चुनाव कराना पड़ा। इसीलिए अब सुप्रीम कोर्ट का ही हवाला या सुप्रीम कोर्ट की तरफ जो है वो रुख किया गया है याचिकाकर्ताओं की ओर से, और उम्मीद है इन याचिकाकर्ताओं को भी और अन्य पॉलिटिकल पार्टीज को भी कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसमें इस याचिका को लिस्ट करेगा और बहुत जल्द इसके ऊपर जो है वो सुनवाई हो सकती है। हालांकि याचिका में यह भी मांग की गई कि 2 महीने के अंदर अंदर जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा जो है वो दिया जाए और इस याचिका में जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव का भी जिक्र किया गया है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हुए हैं, लोगों ने लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी की है, भागीदारी की है और संवैधानिक व्यवस्था में यानी लोकतंत्र में अपने विश्वास की जो मोहर है वो जम्मू कश्मीर के लोगों ने लगाई है और अब उनको इस हक से महरूम नहीं रखा जा सकता, इस हक से दूर नहीं रखा जा सकता कि जम्मू कश्मीर
जो एक बड़ी सॉवरेन स्टेट थी, जम्मू कश्मीर जो एक राज्य था, उसका जो ये स्टेटस है वो वापस दिया जाए, और इसको लेकर याचिका जो है वो डाली गई है सुप्रीम कोर्ट में। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस मामले को लिस्ट करते हुए कब इसके ऊपर जो है वो सुनवाई करता है, और कितनी जल्दी इसके ऊपर जो है वो सुप्रीम कोर्ट की ओर से कुछ फैसला आता है। क्या सुप्रीम कोर्ट सीधा केंद्र सरकार को डायरेक्शन देगा, कोई टाइम बाउंड डायरेक्शन देगा? क्योंकि टाइम बाउंड डायरेक्शन इसलिए जरूरी, या यहां हम बात कर रहे हैं क्योंकि असेंबली इलेक्शंस को लेकर भी ये लोगों को बड़ा शक शुबा था कि शायद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो ना हो, सरकार बार बार हालात का हवाला देती है, एजेंसीज कहती हैं कि हालात ठीक है, सरकार कहती है हालात ठीक है, लेकिन चुनाव जो है वो कराए नहीं जा रहे थे। लेकिन अब विधानसभा चुनाव होने से ये साफ संकेत हो गया कि जम्मू कश्मीर में हालात जो है वो बेहतर है, जैसा कि सरकार भी क्लेम करती है। और सुप्रीम कोर्ट की एक डेडलाइन जो है वो केंद्र सरकार को दी गई थी अक्टूबर 2024 से पहले, यानी सितंबर 2024 से पहले ये कहा गया था, यानी सितंबर में जो इलेक्शन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया और अक्टूबर 8 को कल को जो है वो गिनती होगी, वोटों की गिनती होगी। तो सितंबर 2024 की डेडलाइन जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से असेंबली इलेक्शंस के लिए दी गई थी। अब स्टेटहुड को लेकर भी ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को स्टेटहुड के लिए भी कोई टाइम बाउंड डायरेक्शन देगा कि इतने समय के अंदर जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापिस दिया जाए। इसको लेकर अब जो है वो हमारी नजर रहेगी कि इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ डेवलपमेंट होती है, सुप्रीम कोर्ट ये मामला जो है वो लिस्ट करके कब इसकी अगली सुनवाई तय करता है, और कितनी डेट्स में यानी कितनी सुनवाइयों में इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट कोई टाइम बाउंड डायरेक्शन केंद्र सरकार को देता है जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस देने के लिए। तो ये एक बड़ी खबर कि जम्मू कश्मीर में चुनाव संपन्न होने के बाद स्टेटहुड की मांग और स्टेटहुड की जद्दोजहद अब तेज हो गई है, और ये मुहिम अब बढ़ने लगी है, और राजनीतिक दल भी जम्मू कश्मीर में कल जैसा मतगणना होगी, वोटों की गिनती होगी, नई विधानसभा जो है वो बनेगी, नई सरकार बनेगी, और हमें लगता है कि आने वाली उस नई सरकार या नई विधानसभा का सबसे पहला मुद्दा जो है वो जम्मू कश्मीर के लिए राज्य का दर्जा वापस करना होगा, और ये मुद्दा आने वाले दिनों में बहुत हद तक गर्माने वाला है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिया जाए। तो तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए यूनिफाइड न्यूज़। नमस्कार।